अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम तैयार हैं लंदन यूके से कनाडा टोरंटो जाने के लिए। पियर्सन एयरपोर्ट है, वहाँ पे टर्मिनल 1 और यहाँ से टर्मिनल 2 है। सुबह के 4:30 बज चुके हैं, आधे घंटे में हमें निकलना है। ठीक है, नाश्ता हम करेंगे लाइट सा, थोड़ा सा बिस्मिल्लाह। सुबह सुबह 5 बजे नाश्ता और एफात भाई, जदाक मुला खैर। और मुझे ये सारी शॉपिंग वगैरह सब पैकिंग करनी है, जल्दी से इसको फिर फिनिश करते हैं। 1 2 3 चले भाई, चलें एयरपोर्ट की तरफ। 5:19 हो गए, टर्मिनल 2 है। टर्मिनल 2 है जी। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون तो अपना वो उन्होंने कहा कि अब खत्म हो रहा है वीजा, तो उनको तो वापस जाना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में से चले जाएंगे वापस, और तो कुछ नहीं ऑप्शन, क्या करेंगे, इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। पहुंच गए भाई हम एयरपोर्ट की तरफ, माशा अल्लाह। फहद भाई से जो गुफ्तगू का सेशन था ना, वो बड़ा ही माशा अल्लाह इंटरेस्टिंग रहा। और ये है टर्मिनल 2 हीथरो, जहाज नजर आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में और हम अब ड्रॉप ऑफ होने वाले हैं इंशाल्लाह यहाँ पे। ठीक है फहद भाई, चलो भाई इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। सही है ना, गदा को हम जाते हैं। ठीक है, चलो भाई समझो। ओके इंशाल्लाह रात में, बिल्कुल लगा रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, कभी लगे चक्कर ड्रॉप ऑफ करके जा रहे हैं फहद भाई माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते हैं टर्मिनल 2 एयर कैनेडा के रिसेप्शन पर। टर्मिनल 2 द क्वींस टर्मिनल हीथरो, ये एयर कैनेडा का है। यहाँ पे बैगेज ड्रॉप ऑफ करना है तो वो लोग इधर लाइन में नहीं, तो हम सिक्योरिटी में डायरेक्ट चले जाएंगे। मैंने चेक इन ऑलरेडी कर दिया था, सुभान अल्लाह। हमने सिर्फ उधर जाना है, मुझे ना डिपार्चर सिक्योरिटी उसके अंदर सिक्योरिटी आ गया। हमजा सिक्योरिटी हमारी क्लियर हो चुकी है पीछे, और गेट्स हम चेक कर रहे हैं। तो भाई 8:30 बजे वाली फ्लाइट है हमारी, AC 835, 8:30 की जगह अब ये 9:55 पे जा रही है। 3 घंटे पहले आ गए और फ्लाइट जो है 1.5 घंटा डिलेड है। यहाँ पे फूड कोर्ट है यहाँ पे सारे, और ये लाल गाय खड़ी हुई। मल्टी फेथ प्रेयर रूम हमें मिल ही नहीं रहा, ये आ गया मल्टी फेथ प्रेयर रूम, इधर आराम कर लेंगे इंशाल्लाह। 1.5 घंटा डिले है फ्लाइट तो डिले हो गई है 1.5 घंटा, तो हम प्रेयर रूम में यहाँ पे आ गए। बेस्ट जगह, लोग लटक रहे हैं सीटों पे बेचारे सोने के लिए, और हमें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से गर्दन सीधी और हम आराम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रूम है नमाज पढ़ने की जगह, यहाँ पे पर्दे हैं, इसके पीछे वो चर्च है, उसके पीछे दूसरी चीज़ें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हमजा, 1 घंटा हमने नींद पूरी कर ली। जहाज में कुछ ना कुछ वो मेंटेनेंस इशू था, उसकी ईमेल आई 1.5 घंटा डिले होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मौके का फ़ायदा उठा के चौंका मारा और नींद हमने खींच ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं गेट्स की तरफ, फ्रेश होकर लेते हैं। हमने ये रखा है साथ में, बिस्मिल्लाह।
से आपका माउथ फ्रेश रहेगा इंशाल्लाह। जो रेगुलर च्युइंगम च्यू करते हैं ना, उनकी जॉ लाइन भी अच्छी डेवलप होती है। मस्जिद का एरिया जो बना है वहाँ पे ही ये स्क्रीन लगी हुई है बड़ी क्लोज। स्क्रीन के मुताबिक 10 मिनट में दरवाज़ा। ये वाली चिप्स हम ले लेते हैं, इस पर लिखा हुआ है सुपर फॉर वेजिटेरियंस, चीज फ्लेवर्ड है। ये एक पाउंड मेरे वॉलेट में ना साल से भटक रहा था, तो फाइनली हम ये 3.5 पाउंड की चिप्स है, इसको 1 पाउंड हम कैश दे देंगे और 2.5 पाउंड हम कार्ड से पे कर देंगे। ये आगे 3.5 की ये डाल रहे हैं हम इसमें 1 पाउंड इधर पॉइंट्स 3.5 थे, अब बाकी बचे 9 बैग 2.5 बचे पे अनदर वे कार्ड, और ये हम बाकी कर देंगे कार्ड पे। चलो भाई उससे छुटकारा मिल गया हमें। 8:42 हो गया ना, तो गेट फाइनली शो हो गया B37, हमें जाना है B37 पे। 15 मिनट लगेंगे वॉक करके पहुंचने में उस गेट तक। लंबा सा एस्केलेटर पे हम जा रहे हैं अपने गेट की जानिब। B37 पे 1 घंटा भी जहाज के बोर्डिंग या उड़ने में। सईद अनवर जो क्रिकेटर हैं वो बता रहे थे कि जिन्हें जमशेद रहमतुल्लाह अलैह जब भी ट्रैवल करते थे तो कहते थे अरे रुको इधर मैं वजू कर लूँ फटाफट, तो वजू करके ट्रैवल करते थे वो हमेशा माशाल्लाह। तो उसमें जो है अल्लाह ने उनको क्या रुतबा दिया। सुभान अल्लाह। ये रनवे है, इधर जहाज नज़र आ रहे हैं। सुभान भी ईमेल आई है 20 मिनट और डिले हो गई है फ्लाइट। तो खैर मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सुबह का टाइम है जब हम जहाज़ में चढ़ेंगे उड़ेंगे, 8 घंटे की फ़्लाइट है और आधे रास्ते में जोहर का टाइम शुरू हो जाएगा। वहाँ जब लैंड करेंगे तब भी जोहर का टाइम ही शुरू हो रहा वहाँ पे है, क्योंकि वो 5 घंटे अभी पीछे हैं हमसे लंदन से जो कैनेडा का टाइम है। तो हम वहाँ पर जब उतरेंगे ना कैनेडा में तो जोहर का हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा पढ़ने को। चिप्स खाते हैं और जहाज़ का इंतज़ार करते हैं। वो जहाज़ खड़ा था एयरलाइन का, हमारी तरफ तो सीटें हैं ही नहीं, तो यहाँ कुछ खाली सीटें नज़र आ रही हैं, यहाँ बैठ जाते हैं चिप्स खाने के लिए। हाँ जहाज था एयरलाइन का जहाज़ है। हाँ जी बादलों में जाके गायब हो रहे हैं, हर 1 मिनट बाद जहाज जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, चाहे तो स्क्रीनशॉट करके अपना स्क्रीन सेवर बना सकता है, ऐसा सीन है। सुभान अल्लाह, लुक एट दैट, वो गया बादलों में। हम खा रहे हैं चेडर वाली चिप्स भाई, बेहतरीन यार। इसका जायका जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस है, मैच्योर चेडर की चिप्स है। क्रंच इसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा क्रंची है इसमें। मैच्योर चेडर एंड चाइव्स, बेहतरीन है। कैसी चिप्स हैं मज़ा? अच्छी। मज़ेदार है? बहुत मज़ेदार है। माशाल्लाह।
आई है इनकी कि भाई जो जहाज हमें लेने आने वाला था ना उसके अंदर तो मैकेनिकल इशू आ गया था आते आते, तो उसकी फिक्सिंग हो रही है, तो कोई केबिन इक्विपमेंट ख़राब हो गया होगा, कोई इलेक्ट्रिक वायर ख़राब, कोई लाइटिंग का इशू हो गया या कुछ होगा, तो जहाज़ सही हो रहा है। और ये जहाज़ जो है ना ये जाते हैं और फिर आते हैं, ये राउंड द क्लॉक उड़ते ही रहते हैं, लैंड होते हैं सर्विस होते हैं फिर उड़ जाते हैं, लैंड होते हैं सर्विस होते हैं फिर उड़ जाते हैं। तो हमें जिस जहाज़ में जाना था उसने टाइम पे पहुंचना था, वो आया देर से, फिर मैकेनिकल इशू है, तो उस वजह से हम वेट कर रहे हैं। ऐलान हो गया माशाल्लाह और बोर्डिंग शुरू हो गई, लाइन लग गई है, इधर लोग जहाज के अंदर जाना शुरू हो गए, जहाज की तरफ जा रहे हैं टू बी सीटेड। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैंने जो है ना एक चीज़, जो मास्क हैं वो कंपलसरी हैं नहीं अब, मगर मैंने अरेंज करवाए ये अरेंज किए मास्क, क्योंकि जहाज़ में ना सब सोते हैं और उठते हैं और जाएंगे और अंगड़ाइयाँ सब चलती हैं और जहाज़ होता है बंद, तो विच इज़ वाई ये ज़रूरी है। च्युइंगम भी मैंने लिए, मतलब जब खोके उठे ना तो च्युइंगम एक चबा लें तो आपकी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट वगैरह है ना वो थोड़ी सी फ्रेश रहती है, और मास्क लगा लें तो उससे और सेफ्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। हम जा रहे हैं जहाज़ के अंदर, सुभान चले हम जर रेडी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। 41K थैंक यू बोलो, थैंक यू। हमजा को एक और पाउच मिल गया, हाँ सेटल हो गए माशाल्लाह, जहाज इज़ रेडी गेटिंग रेडी, और हमजा भी तैयार है माशाल्लाह ना रेडी टू रोल, शूज़ वूज़ हमने सेटिंग कर ली है पूरी, सामान रख लिया है, अब आपसे मिलते हैं कुछ देर में। जहाज़ मूव होना शुरू हो चुका है माशाल्लाह और रनवे की तरफ जाना है, साढ़े आठ बजे उड़ना था, साढ़े दस, 10:36 हो गए, 2 घंटे देर से चल रहा है, कुछ मैकेनिकल इशू आ गया था इसमें, उन्होंने इसको रिपेयर किया है, ईमेल आई कि छोटा मोटा कुछ एसी वगैरह या कुछ इस तरह का इशू था, तो अब फाइनली हम उड़ने जा रहे हैं माशाल्लाह। तो जैसे मुझे डिले का पता चल रहा तो अच्छा हमने ये किया कि हम फौरन मस्जिद में गए यहाँ पे प्रेयर रूम में और सो गए 1 घंटा, तो और फ्रेश हो गए। यूके लंदन को फिर से खैराबाद कहने का टाइम आ चुका है, और वो ब्रिटिश एयरवेज के जहाज़ खड़े हुए सारे, हम एयर कनाडा में जा रहे हैं टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वी आर अबाउट टू टेक ऑफ इंशाल्लाह।